मेडिटेशन के द्वारा कुछ बातें करेंगे जो कि शायद हमारे जीवन से रेलेवेंट हो, हमारी साधना से रेलेवेंट हो, और उस ऊर्जा का आभास करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए हम आंखें बंद करके बैठेंगे और फिर आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाय द मेन टाइम अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप मुझे इस वक्त चैट पे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सवालों का जवाब दूं आपको। देखिए, हमारा जो ये एक दूसरे से वार्तालाप है, हालांकि ये वन साइडेड कॉन्वर्सेशन है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मगर ये किसी प्रकार के सत्संग या अन्य चीज़ों से अलग होगा। हालांकि टाइटल में मैं शायद सत्संग डाल देता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। ये कॉन्वर्सेशन है जो आम बनती है, मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में ही बात करूँ, ताकि जो क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे दिमाग में साधना काल में या साधना से संबंधित, उनका निराकरण हो सके। कई तरह के प्रश्न आते हैं मेरे पास साधना के विषय में। एक क्वेश्चन ये होता है अक्सर कि गुरुजी, हमने सुना है कि दीक्षा जो है मिलकर ही लेनी चाहिए, और जैसा कि आप फोन पर भी दीक्षा देते हैं, तो क्या ये उतनी ही कारगर है? मैं आपको 100% कह सकता हूं, 100% दावे के साथ में कि ये उतनी ही कारगर होगी। यदि मैं फोन के माध्यम से आप तक ये साधना पहुंचा रहा हूं, तो मैं ऐसा बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। मैं किसी भी ऐसे रूल को वॉयलेट नहीं करूंगा जो साधना मार्ग में किसी तरीके से आपके अगेंस्ट जाता हो। रूल आपका आपके लिए जो भी कहता है कि गुरु से मिलकर दीक्षा लेनी चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस है, वो ही इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगा, मगर आप इस चीज़ के प्रति निश्चिंत हो सकते हैं। इस चीज़ के प्रति मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि यदि मैं साधना आपको फ़ोन के माध्यम से भी दूंगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दीक्षा आपके लिए उतनी ही प्रभावशाली होगी।
दूसरा एक प्रश्न जो फीमेल साधकों के द्वारा आता है कि उन दिनों में जब देवस्थानों में जाना वर्जित होता है, क्या उस ड्यूरेशन में यह साधना की जा सकती है? तो मैं कहूँगा निश्चित तौर पे की जा सकती है, आपको इसमें किसी भी तरह का आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी कहीं भी आपके आसपास घट रही है रिलेटेड है या जो भी चीजें हैं बाहर। इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी है, मैं दोनों का कलेक्टिवली जवाब दे देता हूँ कि जैसे जिन घरों में बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये भी प्रश्न आता है, जैसे हमारे यहाँ लोकल डायलेक्ट में कहते हैं कि सोअर और सूतक में क्या ये साधना की जा सकती है, यानी कि मृत्यु पे या जन्म के समय में, क्योंकि ऐसे समय में इस तरह के कार्य जो है उनको मना किया गया है करने के लिए, उनका निषेध है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि इन सभी परिस्थितियों में आप अपनी साधना कर सकते हैं। ये साधना आप शमशान में भी कर सकते हैं, अपवित्र स्थान पर भी कर सकते हैं, पवित्र स्थान पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। कारण जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरे पास इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि आपके जीवन का जो मूल आधार है वो आपकी श्वास है, और इस साधना में जो आप काम करते हैं वो अपनी श्वास पर काम करते हैं। श्वास का आना और जाना हर स्थिति में होता है, उसका इन बाहरी परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम इस शरीर में स्थित हैं, हमारा प्राण इस शरीर में मौजूद है, श्वास आनी जानी निश्चित है, और आप जो कार्य कर रहे हैं वो श्वास पे कर रहे हैं। श्वास का ये बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपके शरीर की भौतिक परिस्थिति क्या है, आपके आसपास की भौतिक परिस्थितियां क्या है, इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जितने भी सवाल मैंने कहे उनके एवज में मेरा रिप्लाई यही है कि आप ये साधना कहीं भी कभी भी किसी भी हालत में कर सकते हैं। आप में से कई लोगों को साधना काल में मेरे गुरुजी के दर्शन हुए। मेरे जो गुरुजी के गुरुजी हैं जनार्दन परमहंस जी, उनके स्वप्न में दर्शन हुए, ध्यान के दौरान दर्शन हुए, और कई लोगों को महावतार बाबा जी के दर्शन हुए। कई लोगों को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है, जो कि डरावना प्रेजेंस नहीं है, आप होता है, आपके आसपास होने का एहसास होगा, स्वप्न में आने का एहसास होगा, स्वप्न में आप मुझे देखेंगे। शक्तियां काम कर रही हैं अपनी जगह पे। इस साधना के विस्तार के लिए जो गुरुओं की परंपरा है, सप्त ऋषियों से लेकर उनमें से मुख्यतः महर्षि अंगिरा जिनके द्वारा ये साधना हमें दी गई, और फिर महावतार बाबा जी, और क्रमशः आगे गुरुओं को दी गई, शक्तियां काम कर रही हैं। आपके सहयोग के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, और आत्मचेतना के विस्तार के लिए। एक सवाल अक्सर ये आता है कि साधना के दौरान जो है, खासतौर से ये शुरुआती फेज में होता है कि
मुझे शरीर के किसी हिस्से में पिंचिंग पेन हो रहा है, चेस्ट में पिंचिंग पेन हो रहा है। कुछ लोगों को बीपी इशू हो जाता है, बीपी रेस होता हुआ फील करते हैं। कुछ लोगों को बॉडी का टेम्परेचर फील होता है कि काफ़ी बढ़ गया है, सीने में दर्द, पेट में दर्द। ये सारी चीज़ें शुरुआती तौर पे होती हैं, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ। कई बार एनर्जी आपकी फ्री फ्लो नहीं कर रही होती है, तो वो जब ब्लॉकेजेस खुलते हैं तो उसके कारण कुछ पिंचिंग पेन या पियर्सिंग पेन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, अगर आपको कभी लगता है कि मेडिकली आपको चेक करवा लेना चाहिए, आप करवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको ध्यान रखना चाहिए शरीर का, ठीक है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना चाहिए। एट द सेम टाइम, जहाँ तक साधना की बात है, ये चीज़ें अधिक से अधिक 15 दिन, महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने, इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं होती है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि इससे अधिक कंटिन्यू हो जाए। और ये भी हो सकता है कि आपको रेगुलर महसूस ना हो, कभी कभार हो सकता है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से गया हुआ हूँ। एक चीज़ और है, काफ़ी लोगों को सिर में भारीपन लगेगा, सिर में दर्द होता है, हाफ माइग्रेन की तरह होने लग जाता है। ये चीज भी समय के साथ हल्की हो जाती है। सिर दर्द ज्यादा होने लगे तो कुछ समय के लिए साधना हल्की कर दे। देखिए, मैंने आपसे बताया है कि मेरी साधना कोई एक्सेप्शनल साधना नहीं है, ठीक है, एज इन मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं कि ये कोई असाधारण जर्नी नहीं है, ये एक साधारण जर्नी है जिसमें मैंने चीज़ों को जाना, समझा और उसके लिए अपने खुद के लॉजिक तैयार किए। खुद के लॉजिक तैयार करने का कारण एक ये भी था कि कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। जब तक समझ आई कि साधना के मामले में प्रश्न पूछने चाहिए या ये चीज़ें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, तब तक फिजिकली बताने वाले जो गुरु थे वो जा चुके थे। कई बार आप सवाल पूछें और हो सकता है कि मैं आपसे बोल दूं कि नहीं, ठीक है, आप पढ़ते रहिए ऐसे आगे, ये एक फेज है जो गुजर जाएगा। तो कुछ एक चीजें ऐसी हैं, अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूं कि मैं भी उनका कारण नहीं तलाश रहा, ये क्यों हो गया। सिर में दर्द होता है, मुझे ये समझ में आया कि चूंकि ये साधना सीधे मेडुला पे काम करती है तो प्रॉब्ली कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो अलाइन करती हैं अपने आप को, और उस अलाइनमेंट के ड्यूरेशन में चूंकि हमें उस नई एनर्जी की आदत नहीं होती है, हमारे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। बॉडी को उस नए अलाइनमेंट की आदत नहीं है, और वो अलाइनमेंट जब तक चल रहा होता है आपकी एनर्जीज को स्ट्रांगली बढ़ाने के लिए, तब तक आप साधना काल में सिर में दर्द महसूस कर सकते हैं। एक बार वो एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं, फिर ये सर का दर्द वगैरह गायब हो जाता है। कई लोगों को ये महसूस होगा कि आप जब श्वास ले रहे हैं तो श्वास लेते वक्त यहाँ पर काफी अच्छी सी फीलिंग आने लगती है। एक ये हो गया और आपका टॉप चक्रा हो गया। उसके अलावा ये बातें मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, ये जोन हो गया। इसमें जब आनंद आना शुरू हो जाता है, जब अच्छा लगने लगता है अपनी साधना करते करते, तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाती है, सेल्फ मोटिवेशनल हो जाती है। इसमें फिर आपको बार बार किसी से बात करने की या मोटिवेशन लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि अब आपकी बॉडी वो आनंद मानने लगती है। जिस तरह से आपको बाकी चीज़ों की आदत होती है, किसी को नशे की आदत है, किसी को कुछ खाने पीने की आदत है, तो जब आप लेते रहते हैं तो बॉडी वो चीज़ डिमांड करने लग जाती है बार बार, कहीं ना कहीं वही स्थिति इसमें हो जाती है। एक बार वो आनंद जनरेट होने लगता है, फिर चीज़ें स्वतः फूर्त हो जाती हैं, खुद चलने लगती हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए, है ना। तो एक तो ये बात हो गई, बाकी
कई लोगों को स्वप्न बहुत भीषण आना शुरू हो जाते हैं, तरह तरह के स्वप्न, जो स्वप्न माफ कीजिएगा, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी चीजें भी आप स्वप्न में कभी देख सकते हैं, ना ही जिन चीजों की आपने कभी कल्पना की होगी। कुछ कॉमन स्वप्न उसमें से ये हो सकते हैं कि आप उड़ रहे हैं, आप बहुत सारा पानी देख रहे हैं, बहता हुआ पानी देख रहे हैं, अपने आप को ऊंचाई पर चढ़ता देख रहे हैं या वहां से गिरता हुआ देख रहे हैं, या फिर किसी तरह प्रयास कर रहे हैं कि आप ऊंचाई पर टिक सकें और आप वहां से गिर सकते हैं। प्लेन्स देख सकते हैं, आप प्लेन्स में अपने आप को सफर करता हुआ देख सकते हैं, पानी वाले जहाज में अपने आप को सफर करता हुआ देख सकते हैं, कई सारे अलग अलग तरह के जानवर देख सकते हैं आप, शेर हो गया, चीता हो गया और मगरमच्छ हो गया, इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं, बाज हो गया, चील हो गया, सांप हो गए, ये सारी चीजें आ सकते हैं। एक और स्वप्न होता है कि आप देख सकते हैं कि आप पिस्टल से फायर कर रहे हैं, मगर बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई पूरी तरीके से फायर कर पा रहा हो, आप देखेंगे कि गोली निकल कर वहीं गिर गई, या फिर आपको कोई दौड़ा रहा है और दौड़ नहीं पा रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं, सामने वाले आप पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जब आप अटैक कर रहे हैं तो उस स्ट्रेंथ से आप वार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि आप उनको निस्तेनाबूद कर दे रहे हैं, आप अपने आप को आर्मी ड्रेस में देख सकते हैं, आप लड़ाई पे गए हुए हैं। और इस तरह की कई चीजें, भैंसे देख सकते हैं सपने में, जैसा कि आपसे सपने में लड़ रही हैं या फिर जाती हुई दिख रही हैं, बारिश में अपने आप को घूमता हुआ देख सकते हैं, कई बार निर्वस्त्र देख सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में अपने आप को ह्यूमिलिएटिंग पोजीशन में देख सकते हैं, गंदगी देख सकते हैं, एक सवाल आया है अभी कि अगर एक्सीडेंटली कोई मंत्र करता हुआ सुन ले तो डू आई नीड टू अपोलोजाइज, ये मंजुनाथ जी का प्रश्न है, मेरे ख्याल से केरला से हैं ये, केरला या कर्नाटका से। मंजुनाथ जी, आपको अपोलोजाइज किसी को नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोशिश ये करें कि दोबारा कोई ना सुने, ठीक है। प्रयास आपका ये रहना चाहिए कि साधना इस प्रकार से करें कि आपके करीबी से करीबी व्यक्ति भी आपका मंत्र ना जान सके, लेकिन जान ही लिया है तो आपको ऐसा नहीं है कि मुझे अपोलोजाइज करना है, आप मन में बाबा जी के समक्ष अपनी बात रख दें कि मुझसे ऐसी गलती हो गई और मेरा मंत्र किसी तक पहुंच गया। अगर पहुंच भी जाता है तो आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। कोई अबोध बच्चा है सुन लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बड़े को मंत्र नहीं बताना है, मंत्र आपको पूरी तरह से गोपनीय रखना है, आप इस बात को समझ ले कि ये आपकी कुंजी है, इस कुंजी को आपको किसी को नहीं देना है, कुंजी देने का मतलब आप लॉस में हैं, तो वर्बली एटलीस्ट आपको बताना नहीं है किसी को। गलती से कोई सुन लेता है, आप मुझे बता सकते हैं कि सुन लिया है और वो मैं देख लूंगा कि उसका क्या करना है। एक और भी सवाल आता है कि एक बच्चा है, उसको कुछ लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, या एक आदमी घोड़े पे बैठ के आता है, उसको काट रहा है, ये कुछ दोष हैं जो मैं देख लूंगा, आपको अपडेट करते रहने की जरूरत है मुझे। तो जो सपनों की बात हम कर रहे थे, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर देखते हैं कि जानवर आपके आसपास आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके फियर्स हैं, अलग अलग रूप लेके आते हैं, जब आप इन फियर्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ये चले जाते हैं। जो जो फियर होंगे आपके, वो बहुत ही भीषण रूप से आपके सपनों में आ सकते हैं। और शुरू में हुआ कि मेरे को बाघ दिखता था, शेर दिखते थे, मैं डर जाता था, धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि मैं उनके साथ बैठा हुआ,
कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है, आप मुक्त हो गए उस वक्त में से। वो जो भी फियर था, जो भी ब्लॉकेज था, वो हट गया। अक्सर हम सभी के दिल में ये होता है कहीं ना कहीं कि हम डरते हैं, अपना जो वीकनेस है उसको लोगों के सामने आने देने से डरते हैं, नाकामयाब होने से डरते हैं, या मेरी कोई ऐसी बात जो मेरा ग्रे एरिया है या मेरा डार्कर एरिया है वो किसी के सामने ना आ जाए, पब्लिक ह्यूमिलिएशन से कहीं ना कहीं हम डरते हैं। उन स्थितियों में आप देखेंगे कि आप अपने आप को निर्वस्त्र देख रहे हैं या पब्लिकली ह्यूमिलेटिंग पोजिशंस में देख रहे हैं, बारिश में देख रहे हैं। ये सब चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि अभी आपको उस वो जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन का डर है उससे ऊपर उठना है। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं अपना, किसी ने पूछा है कि मैं सुबह नहीं हूँ लेकिन दिन में साधना करता रहता हूँ, क्या ये ठीक है या इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग किसी कारणवश जो 20 मिनट का समय मैंने बताया है अगर नहीं कर पा रहे और आप चलते फिरते अपनी साधना कर रहे हैं या अन्य परिस्थितियों में अपनी साधना कर रहे हैं, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बैठने का प्रभाव ये होता है कि जब आप बैठ कर करते हैं तो काफ़ी सटल लेवल पे कुछ चीज़ें हो रही होती हैं बॉडी में जो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, और उससे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मेरी ग्रोथ किस लेवल की चल रही है, क्योंकि बॉडी लेवल पे ये एक्सपीरियंसेस मुझे हो रहे हैं। आप में से कई लोग जिन्होंने हाल ही में साधना शुरू की है या कुछ टाइम हो गया है, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी आपके साथ में, आप वाइब्रेशंस फील करते होंगे बॉडी में, थर्ड आई पर फील करते होंगे, टॉप चक्रा पर फील करते होंगे, रीढ़ पर एनर्जी मूव करती हो फील करते होंगे, और कई बार अचानक से इतनी गुदगुदी होने लगती होगी शरीर में कि आपको लगता होगा कि बस चुपचाप, और ये ठीक है। मैं आप में से कई लोगों से ये बोल चुका हूँ, बल्कि सभी से ये बोलता हूँ, दो बातें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट। पहला ये, अपनी इस साधना में एक ही कुंजी है, वो कुंजी ये है, चूंकि आपके पास और कोई बैरियर्स नहीं है, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं मना करता हूँ, ये जरूर कहता हूँ कि मॉरल लिमिट्स में रहें। कुछ लोग जैसे नॉनवेज या अल्कोहल लेते हैं, कोई लोग सोशल नीड्स की वजह से लेते हैं। मैं बोलता हूँ, इस पर एक प्रश्न आया है कि क्या मैं इसका मानसिक जप कर सकता हूँ। इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि मानसिक जप आप मेरी परमिशन के बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले अगर आप क्रिया में परिवर्तन करके मानसिक जप करेंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा होगा, लेकिन जो पोटेंशियल जो साधना के माध्यम से आपको मिल सकता है, जो एक्चुअल टेक्निक से मिल सकता है, उस पोटेंशियल से आप चूक जाएंगे, वो उस लेवल पे नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर विधि कोई दे रहा हूँ तो उस विधि का कोई महत्व होगा तभी आपको दी जा रही है, उस क्रिया का महत्व होगा, उस क्रिया से हटके आप अगर अपने मन से करेंगे तो वो रिजल्ट मिल पाना मुश्किल है जो आपको क्रिया दे सकती है। तो इसलिए जो है आप मानसिक जप ना करें, जब उस योग्य हो जाएंगे तो मैं आपको स्वतः बता दूंगा, लेकिन स्वतः बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक एक को रीच करूंगा कि बताऊं कि अब आप योग्य हो गए। आपको लगातार अपने अनुभव मुझसे शेयर करते रहने पड़ेंगे, आप अनुभव शेयर करते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें और भी महसूस होती हैं, जैसे कि कई लोगों का क्रोध बहुत बढ़ जाता है, काम ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, मैनिकनेस संकी बना ये काफी हद तक बढ़ सकता है, भूख बढ़ सकती है या भूख एकदम कम हो सकती है। जो लोग दो वक्त या तीन वक्त का भोजन खाते हो सकता है वो एक वक्त का ही करना शुरू कर दें। जो बाकी क्रोध की बात मैंने कही, काफ़ी लोगों को चिलमचना शुरू हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्रोध आना शुरू हो सकता है, बहुत छोटी छोटी बातों में भड़कने लग सकते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं अवेकनिंग के, एनर्जी के। हाँ, व्यवहारिक तल पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। संसार अपना ही आईना है, आप अगर गाली देंगे तो सामने से गाली आएगी, क्रोध करेंगे तो क्रोध आएगा, जैसा आप करोगे वैसा ही आएगा। व्यवहारिक तल पे जितना हो सके उतना नियंत्रित करने की कोशिश करें। कई बार नाकामयाब होंगे, चीज़ें कंट्रोल से बाहर होंगी,
लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अगर आप व्यवहारिक पल पे वर्क करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी लोगों को अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इसमें ये भी आ जाता है कि कई लोगों की नींद काफ़ी कम हो जाएगी, 3 घंटे से 4 घंटे नींद हो सकती है, या जो लोग ठीक से सो नहीं पाते थे उन्हें आने लग जाए। तो ऊर्जा जब काम करना शुरू करती है तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी बॉडी के लिए ऊर्जा के बढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो उसी हिसाब से बॉडी पे काम करना शुरू कर देगी। अगर आपको सुलाया जाना जरूरी है तो वो सुलाना शुरू कर देगी ताकि एनर्जी हील हो सके पूरी तरीके से, जो नेगेटिविटी चल रही है वो हीलिंग हो सके। अगर आपको जगाना ज़रूरी है तो आपको जगाया जाने लगेगा। तो जो भी चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं वो चीज़ें होने लग जाएंगी आपके साथ में। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये फेजेस होते हैं, धीरे धीरे गुजर जाते हैं। किसी ने लिखा है कि मुझे कोई नया एक्सपीरियंस नहीं होता। आप जॉब करते हैं या स्टडी तो हर कोई करता है, एक एक क्लास होते हुए जाते हैं। आप एक क्लास में 1 साल का वक्त देते हैं या एक पोस्ट पे कुछ सालों का वक्त देते हैं, उसके बाद प्रमोट होते हैं। एक लेवल पे आपको अनुभूतियां हो जाएंगी, फिर कई लोगों को वो अनुभूतियां रुक जाती है, लंबे समय तक वही चीजें चलती रहती हैं या फिर न्यूट्रल हो जाता है बिल्कुल। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जैसे ही अगला पैंग आएगा एनर्जी का, अगला फोर्स आएगा, आप अगर साधना नियमित तौर पे करते रहे, ज्यादा करते रहे, तो जैसे ही अगला पैंग आएगा वो जो रेजिस्टेंस था, जैसे शेयर मार्केट में होता है ना कि एक शेयर के लिए सर्टेन रेजिस्टेंस आता है कि इसके बाद जो है शेयर प्राइस जल्दी ऊपर नहीं उठता है, जब तक कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस ना हो जाए, मार्केट बहुत तेजी से ना भागने लगे, तो उस रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही शेयर का प्राइस होता रहता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है जब सिचुएशंस फेवरेबल होती है। तो उसी प्रकार से आपकी साधना में भी होता है कि एक तल पे आप बने रहते हैं और जैसे ही ऊर्जा की नई पैंग आती है वो पिछले लेवल को तोड़ देती है, उघाड़ देती है और उससे आगे बढ़ जाती है। आपका काम इतना है कि एक्सपीरियंस नहीं भी हो रहा है उस ड्यूरेशन में तो आप साधना करते रहें। साधना छोड़ देंगे तो जो चीज़ें जहाँ पे हैं वहीं पे रुक जाएंगी, और ये मत सोचिए कि कहीं और जाएंगे। ये मैं हर साधक के संदर्भ में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो लोग मेरे साथ साधना कर रहे हैं वो सब तो नहीं जाता रेजिस्टेंस का, जहाँ पे एनर्जी इतनी हो जाए कि वो पिछले वाले रेजिस्टेंस को तोड़ दे और आगे बढ़ जाए, तो तब तक जो है ये चीजें आपको उसी लेवल में बांधे रखेंगी और उसके बाद आप बाहर निकल जाएंगे। अभी एक सवाल पूछा किसी ने मुझसे कि ओशो ने साधना को वेस्ट ऑफ टाइम क्यों कहा है। देखिए, मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि कुछ बातें बोलूंगा तो शायद मैं काफी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, और ओशो से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैंने ओशो को काफी पढ़ा है। समस्या ये हो जाती है ओशो के फॉलोअर्स के साथ में कि आपको ओशो का एडिक्शन हो जाता है, आप जो है ओशो के एडिक्ट हो जाते हैं। इसमें आपका दोष है नहीं है मुझे पता नहीं, हाँ, लेकिन ओशो की वाणी में वो क्षमता जरूर है कि वो आपको एडिक्ट बना देती है। एडिक्शन का प्रॉब्लम क्या है? आप आंख बंद करके बिलीव करने लगते हैं उनकी हर बात। अब आई एम दैट जो निसर्ग दत्त जी ने किताब लिखी है, अगर वो आप किताब पढ़ेंगे, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है, कुछ उसके अंश पड़े हैं, किसी व्यक्ति की वाणी से उसकी ईमानदारी का पता लग सकता है, जब तक कि वो चालाकी से बिल्कुल आपके साथ कुछ गलत ही ना करना चाहता हो या आपको फंसाना ही ना चाहता हो। आई एम दैट जो पढ़ देगा, सिंपल क्वेश्चनियर्स हैं जितना मैंने पढ़ा, और बहुत ही ईमानदार जवाब है। ओशो ने उनको बीड़ी बाबा कह दिया क्योंकि वो बीड़ी का काम करते थे, पहले बीड़ी बनाने का काम करते थे, और ओशो ने कहा कि ऐसे बीड़ी बाबा जो है इंडिया में बहुत हैं। तो क्या मैं आंख बंद करके मान लूं कि निसर्गदत्त जो है वो ओशो की वो बात अपने लिए इस्तेमाल करिए जो आपके काम की है?
उनकी हर बात को मान लेंगे। ओशो खुद कहते थे ये बात, ओशो ने बात चिल्ला चिल्ला के कही है, आपने सुनी है नहीं सुनी है, समझी है नहीं समझी, वो एक अलग बात है। वो खुद कहते थे कि कोई भी बात बोली जाए तो उसमें अपना दिमाग जरूर लगाओ। ये किसी ने मुझे कमेंट लिख के भेजा है कि स्टॉक मार्केट में ये ब्रेक डाउन कंसोलिडेशन और ये होता है। भैया मैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेने के लिए भी नहीं बैठा हूँ और आपको देने के लिए भी नहीं बैठा हूँ। आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, राइट? सो प्रायर टू राइटिंग एनीथिंग जस्ट थिंक व्हाट एग्जैक्टली यू आर पोस्टिंग एंड व्हाई यू आर पोस्टिंग, जस्ट टू शो ऑफ दैट आई नो डजंट मेक सेंस, राइट? बट दैट्स ओके, यू वांट टू पोस्ट एनीथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। If you want to post, post relevant questions so that I can answer you and you can get benefit from it. Unnecessarily posting anything that I experienced this, I got there, I went there, I did this thing, I did. तो मैं ओशो के विषय में बात कर रहा था। देखिए, ओशो एक क्रांतिकारी आदमी था। ओशो ने जिस पास्ट का हमारा लिटरेचर चला आ रहा था, शास्त्रों को लेके, अध्यात्म को लेके, उसमें काफी डिस्टरबेंस पैदा किया। जो एक आम धारणा थी चीजों को लेके, उसमें डिस्टरबेंस पैदा हुआ। किसी ने सेक्स गुरु बना दिया उनको, किसी ने बोला नशे का व्यापार होता था उनके यहाँ पे, वो सब बातें एक तरह। हमें गंदगी नहीं ढूंढनी है, हमें अच्छा ही ढूंढनी है, कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ। लेकिन उनके लिटरेचर को पढ़कर रट कर तर्क करने के लिए इस्तेमाल ना करें। तर्क करना है तो अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। जब उनके ही लिटरेचर से आप जो है डिबेट करने लग जाते हैं तो आपकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। और ओशो खुद कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी मत छोड़ो, महत्वपूर्ण बातें आप लोग भूल जाते हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ती है, छोड़नी है। एक सिंगर है सुदेश भोसले, वो शब्द सभी लोगों की आवाज में गा लेते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज में गा लेते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी आवाज है। जब वो नॉर्मली गाते हैं तो उसी आवाज में गाते हैं। क्यों? अब तो उनका नाम नहीं सुनने में आता, खैर, लेकिन काफी टाइम तक उन्होंने गाने गाए हैं और जब नॉर्मल गाने गाए हैं तो उन्होंने अपनी आवाज में गाए। तो ये जो अध्यात्म का गाना हम गा रहे हैं ओशो की आवाज में, किसी और गुरु की आवाज में, हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम एक अपनी आइडेंटिटी लेके आए हैं, वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। ऐसा ना हो कि जाने अनजाने सबकॉन्शियस में मैं कॉपी कैट की तरह एक्ट करने लगूं, मैं हाथों के एक्शन वैसे ही करूं, मैं देखने का तरीका वैसे ही करूं, बात करने का तरीका वैसे ही करूं जैसे कि कोई भी अन्य गुरु करता है। अगर ऐसा होगा तो कभी भी प्रमाणिक साधक तैयार नहीं होंगे। आप उन्हीं की तरह टोपा लगा के बैठ गए, उन्हीं की तरह दाढ़ी लगा के बैठ गए, इससे कोई प्रमाणिकता नहीं होती है। प्रमाणिकता जो आएगी वो जो अंतःस्थल में आपने जो अनुभूत किया है वो आपके शब्दों में जान लाएगा, वो आपके शब्दों में ताकत लाएगा। वो जब बाहर ईमानदारी से निकल के आएगा तो वो किसी दिए को जलाने का काम करेगा। किसी की कॉपी करने से, किसी की बात को आंख बंद करके फॉलो करने से आपके लिए चीजें घटित नहीं होने वाली। जब तक आप आत्म चेतना पर कार्य नहीं करेंगे, खुद पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक दूसरों की नॉलेज सिर्फ एक रटा रटाया लिटरेचर रह जाएगी। आप उनको वाद विवाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको डिबेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों को उसके आधार पर बेवकूफ समझ सकते हैं, आप किसी को तोलना शुरू कर सकते हैं। ओशो ने गांधी के बारे में कई बातें बोली और सच को आप उनके एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि गांधी जो है बहुत करप्ट पर्सनालिटी थे। और हर एक को अपना अपना विवेचना करने का अधिकार है। मैं यहां यह बताने के लिए नहीं बैठा हूं कि गांधी करप्ट थे या नहीं थे,
मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चीज़ों को और एंगल से भी देखने को शुरू करें, सिर्फ एक एंगल से ही ना देखें कि जिसकी बात पसंद आ गई आप सिर्फ उसके एंगल से ही देख रहे हैं। चैनल्स देखना ही है तो NDTV और क्या कहते हैं आज तक ही ना देखें, BBC भी देखें, अल जजीरा भी देखें, आपको व्यू पॉइंट्स पता चलेंगे कि जिस विषय पे मैं एक एंगल से सोच रहा हूँ ये सही है ये गलत है, उस विषय पे और लोग क्या कहते हैं। ओशो खुद कहते थे कि एक बिंदु को सात, एक विचार को या एक सब्जेक्ट सात बिंदु, इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये व्यक्ति एनालाइज कर रहा है, अब ये व्यक्ति किस पॉइंट से एनालाइज कर रहा है, इसको दूसरा व्यक्ति ये एनालाइज कर रहा है, या ये एक बिंदु है जहां से उसको अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे तो आपकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, जो ईश्वर ने आपको बना के भेजा है, जिसका सुवेंसु नाम रख दिया गया है पेरेंट्स के द्वारा, वो इंडिविजुअलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ना आप सिर्फ दूसरों के पदचिन्हों पे चल रहे होंगे और वो कुछ भी नया नहीं कर रहे होंगे जो अमूमन एक प्रमाणिक साधक करता है। अगर बुद्ध के कदमों पर उनके साधक जो है आंख बंद करके चलना शुरू कर देते, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं अगर वो वहीं बैठे हुए हैं चेतना तल पे, उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, लेकिन बुद्ध के रास्ते पे ही चल के जो अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखता है वो नागार्जुन बनता है। बुद्ध के रास्ते पे ही चल के जो अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखता है वो अपने आप को सही रूप में प्रेजेंट कर पाता है, अपने आप को प्रमाणिक रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाता है, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। स्वप्नों की बात कर रहा था मैं, अगर आप जहाज देखते हैं आपके एम्बिशंस हाई हैं, कई बार आप देखेंगे कि जहाज गिर गया, मतलब अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है उस जहाज में बने रहने के लिए, उस लेवल पर बने रहने के लिए जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं या उस लेवल पर पहुंचने के लिए। किसी ने लिखा है कि मैं ऑफिस में बैठकर मंत्र करता हूं, किसलिए? जपते हुए कई लोग सुन लेते हैं, किसी के मंत्र को सुन लेने से कोई हानि तो नहीं होनी है? नहीं सुनाना है आपको, आपको मंत्र इस प्रकार से करना है कि कोई ना सुने। एक सवाल अभी आया है कि ये जो काम क्रोध और ये सारी चीजें जागृत हो जाती हैं साधना के दौरान, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल तो आप ही करोगे। गुस्सा आ रहा है तो आपके गुस्से को कंप्लीट करने का क्या तरीका है, आपके गुस्से को रोकने का क्या तरीका है, कि आप खुद रोकें, ठीक है, या फिर आपको कोई जबरदस्ती कंट्रोल करके आपका गुस्सा शांत कराए? आपको ही काम करना है उस पर। इसीलिए मैंने कहा साथ में कि आपको व्यवहारिक तल पे ध्यान रखना है कि इन चीजें, ये चीजें जो आपको प्रभावित कर रही हैं, इससे आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। कई बार ये भी हो सकता है कि जीवन में अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट ना किया। साधना काल में होता क्या है कि वाइब्रेशनल लेवल पे जब ऊर्जा बढ़ने लगती है तो दरअसल कई बार आपको अलग थलग कर दिया जाता है, आपके आसपास वही लोग रखे जाते हैं जिनसे आपको लाभ है या जिनसे आपको कुछ सीख है, उसको हटा दिया जाता है। तो आप कई बार महसूस करेंगे कि संबंध में खराब हो रहे हैं लोगों से, कोई बुराई नहीं है उसमें, साधना मार्ग पे चलना चाहते हैं तो अकेले का मार्ग है, चलते रहिए। किसी ने लिखा, इट्स प्रॉब्लम माई इग्नोरेंस, वाई डू यू थिंक अदर्स लिसनिंग टू माई मंत्रा इज नॉट गुड? आई थिंक दैट लिसनिंग टू योर मंत्रा इज नॉट गुड बिकॉज दैट्स अ ट्रेडिशन। नाउ मिस्टिक्स प्रॉब्ली डिसाइडेड दिस बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट व्हेन यू रिवील योर मंत्रा टू समवन एल्स यू आर गिविंग योर की टू सक्सेस टू समवन एल्स। So, I would say don't get into why it is not good. I would just request you to follow the tradition
because that's what's being followed. And right, because if that way, if you are going to follow things, then everything is questionable. Even practices are questionable, and it makes no sense to practice them. Certain things are based on faith, certain things are based on traditions. Please follow them. अगर आप देख रहे हैं कि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी आपको उतना मंत्र करते रहना है जहां पे आपको कॉन्फिडेंस आ सके और वो नेगेटिविटी हट सके, जिसके कारण अभी आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पा रहे हैं कि आप एक हाइट पर खड़े होकर ना ही डर रहे हैं और ना ही गिर रहे हैं, यानी कि आप एक लेवल पे खड़े होने पे कंफर्टेबल हैं। कई देवों को देख सकते हैं आप, मंत्र आते हुए आपको महसूस हो सकते हैं, मंत्र मिल सकते हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल है, साधना मार्ग पे चलती रहेंगी। आप में से कई लोगों की लाइफ में क्या चुनाव करूं, चीजों को क्विट कर दूं, आगे बढ़ जाऊं, कई लोगों के जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां जीवन और मौत का प्रश्न हो जाता है। ऐसे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी जो इच्छा है, आप जो करना चाहते हैं, जो आप अंदर वार्तालाप करता है कि ये चीज सही है, ये गलत है, ऐसा मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जो लगता है सही है उसको कर डालिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस बाद के लिए छोड़ दीजिए। हर चीज आप पहले से डिसाइड करके नहीं चल सकते कि ये सही होगा या गलत होगा, वो तो उसमें एंटर करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन कम से कम आपकी वो इच्छा तो पूरी हो जाएगी ना जो आप करना चाहते थे। आप में से दो तीन लोग ऐसे हैं जो कैंसर से या कैंसर हो सकता है ऐसी स्थिति में, कुछ नहीं होगा, आपको चलते रहिएगा इस मार्ग पर, अपने जीवन में जो भी करना चाहते सब कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। भरोसा रखिए, डरिए घबराइए नहीं। मैं जानता हूं डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, बहुत परेशानी वाली हो सकती है, हिम्मत बदलती छोड़ना है, छोड़ना है, क्योंकि आप शरीर का इस्तेमाल है और ये शरीर इसके साथ कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है,
बीच का समय है जिसमें शरीर को छोड़ना पड़ेगा, जो कि दुखदायी हो सकता है, होता है, हो नहीं सकता है, होता है, पीड़ादायक होगा। उससे पहले आपको साधना के माध्यम से मृत्यु की तैयारी करनी है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, साथ साथ मृत्यु की उतनी ही बड़ी होती जा रही है। देखिए, हमारी चेतना जो शरीर से जुड़ी हुई है सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे, जिसने शरीर को एक्वायर कर रखा है और बॉडी मैकेनिज्म के कारण वो शरीर में बनी रहती है। जैसे ही शरीर ये खराब होने लगता है, खराब हो जाता है या अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है, चेतना इससे अलग हो जाती है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ झटका है, फोर्स है, जहां तक चेतना आपके शरीर में बाकी बची रह सकती है, उससे ज्यादा झटका लग गया, चेतना सेपरेट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लगने हो गई, ऑर्गन फेलियर्स हो गए, चेतना सेपरेट हो गई। ध्यान क्या है? धीरे 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 आप चेतना को शरीर से इस तरह से अलग करने का अभ्यास करते हैं कि वो शरीर भी ना छोड़ दे और एकदम से आप भयाक्रांत भी ना हो जाएंगे। इसीलिए देखिए, साधना में जो अनुभूतियां होती हैं वो धीरे धीरे होना शुरू होती है। एक तल पे अलग तरह की अनुभूतियां होती हैं, फिर अलग तरह की अनुभूतियां होती हैं। जैसे जैसे आप साधना मार्ग में बढ़ते जाते हैं और ऊर्जा का आभास करने लगते हैं, चेतना का आभास करने लगते हैं, वैसे वैसे चेतना कंफर्टेबल हो जाती है शरीर से धीरे धीरे अलग होने में। और जब ये अलग होने लगती है तो ये आपको उस पेन से ऊपर उठा देती है जो सडन डेथ से या आने वाले कुछ सालों के बाद जो डेथ होगी उससे होगा। क्योंकि शरीर से जो आपका अटैचमेंट है वो इतना रह जाता है, जो जुड़ाव है वो इतना रह जाता है कि बस शरीर ऑपरेट करता रहे जब तक कि ये शरीर स्वस्थ है और डैमेज नहीं हो जा रहा है, चाहे वो वृद्धावस्था की वजह से हो, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो, या चाहे एक्सीडेंट की वजह से। ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को, अपनी चेतना को कंफर्टेबल बनाते हैं ताकि आप इस शरीर से सुखद रूप से अलग हो सके, वो आप हो जाएंगे अगर ध्यान करते रहेंगे। विधि सही मिल गई है, गुरु सही मिल गया है, आप अपना कार्य दिल लगाकर कर रहे हैं तो प्रयास करिए इस चीज के लिए। देखिए, जीवन है क्या? आप अगर गौर करेंगे कि हम जीवित हैं एक ही कारण से, जो सांस अंदर ले रहे हैं ये अंदर जाती है बाहर आती है। बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है और फिर रिपेल कर रहा है। अट्रैक्शन रिपल्शन, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। आकर्षण और विकर्षण, जीवन इसी पे आधारित है और कुछ भी नहीं है। ध्यान के माध्यम से आप उस अट्रैक्शन और रिपल्शन पे काम करने लगते हैं। यहाँ पे आप जाएं, इसलिए आप चेतना की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक अट्रैक्शन रिपल्शन है तब तक आपका जीवन है। ये बंद हो गया अचानक से, जीवन नहीं है। आप इस अट्रैक्शन रिपल्शन से परे जाने की कोशिश करते हैं। यू ट्राई टू सीज थिंग्स, यू ट्राई टेंड टू सीज द थिंग्स, स्टॉप द थिंग्स।
आप माया के चक्र में तब तक ही हैं जब तक कि आप इस अट्रैक्शन और रिपल्शन के जाल में फंसे हुए हैं। साधना विधि क्या करती है, इस अट्रैक्शन और रिपल्शन को सीज कर देती है। ये जो कुंभक वगैरह लगता है ये आपको कंफर्टेबल कर देता है सांस ना आने की भी स्थिति में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये सब कुंभक वगैरह का अभ्यास करें। साधना अगर आपकी अच्छी है तो ये सब खुद ही करने लग जाती है और ये सेकेंडरी चीजें हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे अपनी साधना के माध्यम से अपनी चेतना से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, ईश्वरीय सत्ता से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है और सिमरन या स्मरण ही उसका बेस्ट माध्यम है। साक्षी भाव और निर्विचार की भी साधना आप कर सकते हैं, जिसके लिए कंफर्टेबल है उसके लिए ओके। जिसको डिफिकल्टी होती है वो बेहतर है मंत्र का रास्ता चुन ले और मंत्र के माध्यम से वहां तक पहुंचे। मंत्र टेक्निकली हेल्प कर देता है आपकी आपकी बॉडी की एनर्जीज को ध्यान में रखते हुए। वो इस प्रकार से क्या करता है कि आपकी बॉडी की जो एनर्जीज हैं वो इस अलाइनमेंट में आ जाती हैं जहाँ की आपकी चेतना जो है वो परम चेतना से कनेक्ट होने लगती है। तो एक आम इंसान के लिए जो बाकी लाइफ में फंसा हुआ है काफी सारे चैलेंजेस हैं, सिमरन का रास्ता बेस्ट है उसके लिए, स्मरण का रास्ता बेस्ट है। और भी तरीके हो सकते हैं, आंख बंद करके बैठ जाइए। आपने देखा होगा कि जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो आपके भीतर एक अंधकार या लालिमा दिखाई पड़ती है। आप देखें इसको बार बार बैठ, ये मैं और इसको शांत भाव से देखें। जब जब ये प्रश्न आए कि मैं कौन हूं, क्या से आया हूं, क्या होगा मेरा, आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने भीतर का ये जो अंधकार या लालिमा है इसको देखिए बस शांत होकर। गहराई में काफी कुछ शांत होने लग जाएगा और चेतना का विस्तार भी बहुत मजबूती से होगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इस विधि का आप लाभ उठाएं। फिर से कहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ना क्रिएट करें, ये करना है वो करना है। मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि अगर आप सिर्फ इस विधि को ही पकड़ दें और इसमें अपनी पूरी जान लगा दें, पूरा प्रयास लगा दें, चीजें आप होते हुए भौतिक तल पे कुछ चीजें तुरंत हो जाएंगी। बड़े स्तर पे चीजें चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को उसी होके बनाना होगा। और यकीन मानिए कि जब आप उस योग्य बना लेते हैं तो वैराग्य इतना आ जाता है कि उन चीजों के होने ना होने का, तो वो तभी घटित होता है जब एक्चुअल में जो मटेरियल सुख है उससे आपका वैराग्य हो जाता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब चीजें इतनी आसानी से मिलने लग जाती है कि आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। गुरु ने ना पकड़ी होती बांह सखी रे मैं तो बह गई होती।
गुरु की बात मानी। प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना करते हैं कि वो चीजें अपने आप हो जाती हैं, उसके लिए अपने आप को दोष मत दीजिए। कोई कॉम्प्लेक्स लाने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रेम थोड़ी ना के लिए प्रेम सफलता जल्दी मिलेगी। गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है, साथ ही साथ साधना के प्रति प्रेम और प्रेम से मेरा अधिक से अधिक आदर नहीं। ऐसा नहीं कि विधि से प्रेम करने लग जाए, विधि से प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है। विधि का लाभ मैक्सिमम उठाने की कोशिश करें, वो तभी हो सकता है जब आप विधि का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो किसी भी परिस्थिति में आप विधि का अभ्यास नहीं कर रही है, ये इतना ही। अगले सेशन में फिर आपसे बात करेंगे। जो लोग नए और आप इस चैनल पर वीडियो, हमारा नंबर है 9873361918, ये वरुण का नंबर है। कॉल मत करें इनको, मैसेज करें, आपको 24 घंटे के अंदर जवाब दे देंगे। और कोई प्रश्न भी है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अनुराग कुमार पांडे, आप लिख रहे हैं कि गुरु हो तब ना, आप जवाब दिए बिना जा रहे हैं। गुरु तो आपको तलाशना पड़ेगा, ये जब गुरु आपके भाग्य में आना लिखा है तो आ जाएगा, ये तो आपको तय करना है ना कि आपको तलाशना है तो किस धारा का तलाशना है। आप पता नहीं किस तरह की साधना में इंटरेस्ट रखते हैं, जिस तरह की भी साधना में इंटरेस्ट रखते हैं और जो गुरु आपको सूटेबल लगते हैं, अगर आपकी वाकई में इच्छा है कि आप उस मार्ग पे चलना चाहते हैं तो आप उस पर चलिए। आप लिखते हैं कि उस लायक कैसे बनूं, उस लायक बनने की क्या जरूरत है? आपसे किसी ने कहा है क्या कि आपको उस लायक बनना है? उस लायक बनना है तो ये बकवास की बातें छोड़ दें। ये साधना क्या है, वो साधना क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, अद्वैत की साधना कैसे करूं, 112 चक्र कैसे जागृत करूं, 10 चक्र कैसे जागृत करूं, ये कैसे करूं। अभी सेशन करने से पहले ये छोटा सा वीडियो देख रहा था मैं, एक बंदा जैन गुरु के पास जाता है और कहता है कि ये जैन के बारे में मुझे कुछ बताएं, इसमें कामयाब कैसे हूं। तो वो बैठे, चाय का प्याला रखा होता है भरा हुआ, केतली से उसमें चाय डालने लग जाते हैं, चाय डालते जाते हैं और वो फैलता जाता है। आखिरकार वो बंदा अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे ये क्या कर रहे हैं आप? तो वो कहते हैं कि जैन के बारे में जानना है तो यही करना है, ये जो पहले से आप कचरा लेके दिमाग में बैठे होंगे इसको निकाल देना है। इसको लेके बैठेंगे तो जैन जो भी सिखाएगा, जैसे ये चाय बाहर फैलती जा रही है उसी तरीके से आप जो लेके आ रहे हैं वो फैलते जाएंगे। इसलिए अनुराग, एक बार आप अपना क्वेश्चन फिर से लिखिए, आपका क्वेश्चन निकल गया है, मैं उसे देख नहीं सकता हूं, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्टली मुझे लिखिए, मैं सिर्फ आपके लिए ही वेट कर रहा हूं, इसके बाद में सेशन खत्म करूंगा। खाली प्याला लेके जाएं, बहुत सारी नॉलेज काफी डिस्टर्ब करती है, वो हर कदम पे आपके लिए रुकावट पैदा करेगी। स्टार्टिंग करने के लिए अनुराग आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि शुरुआत में श्वासों पर ध्यान दें, या ओंकार का जाप भी कर सकते हैं। जब आपका ब्रीथ पे कमांड आ जाए उसके बाद में आपकी साधना ले लीजिए, ठीक है? ओंकार का जाप कर लीजिए, श्वास पे ध्यान दीजिए, गहरी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ते वक्त ध्यान रखिए, लेते वक्त ध्यान रखिए। इतना भी कर देंगे तो शुरुआत अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आप सभी को प्रणाम। महाशक्ति आपकी रक्षा करे, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।